आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा। कहा, संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपसी सामंजस्य बैठा कर करे कार्य, सभी विभाग JEES पर लगाएं लगाम। शाहपुर थाना क्षेत्र के चरगावा के एक पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ने कहा, नहीं हुई कोई जनहानि। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, जनपद में साप्ताहिक बंदी का कराया जा रहा है कड़ाई से पालन। अनावश्यक बाहर निकलने वाले लोगों के वाहनों का किया जा रहा है चालान, वसूला जा रहा है जुर्माना तथा मुकदमा भी किया जा रहा है पंजीकृत। पंचायत उपचुनाव में विजय हुए प्रत्याशियों तथा 432 ग्राम पंचायतों का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न। DPRO ने कहा, 1294 में से 1293 ग्राम पंचायतें हुई प्रभावी, शुरू होगा गांव के विकास का कार्य। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के निदेशक ने किया नवीन महिमा मंडी का निरीक्षण। मंडी के जर्जर भवनों, नालियों और मंडी के साफ सफाई के दिए निर्देश। कहा, अधिकारी सुधारे मंडी की व्यवस्था। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि बरसात में मौसम की नमी के कारण बढ़ जाता है इन्फेक्शन। शुद्ध पेयजल के साथ गर्म भोजन का करें प्रयोग, अवश्य लगाएं मास्क। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के शुभारंभ पर कुलपति ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ की बैठक। स्नातक प्रथम वर्ष और परा स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र हुए प्रोन्नत। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं परा स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 29 जुलाई से होगी आयोजित। 1 जुलाई से ऑनलाइन चलेगी विश्वविद्यालय की कक्षाएं। गोरखपुर में शनिवार को मिले 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,230। अब तक 838 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 159 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई 4 जून के सफाई सुपरवाइजरों की बैठक। पंपिंग स्टेशनों एवं पंपिंग सेटों के साफ सफाई के दिए निर्देश। कहा, 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण के लिए वार्डों में चलाया जाएगा विशेष सफाई अभियान। बरसात के मौसम में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एक संस्था द्वारा किया गया रेनकोट का वितरण। SP ट्रैफिक ने संस्था के प्रति जताया आभार। विश्व योगा दिवस के अवसर पर 21 जून को जिला अस्पताल के न्यू OPD हॉल में आयोजित होगा योगा कार्यक्रम। SIC ने कहा, कोविड और पोस्ट कोविड के मरीजों को मिलेगा योग से लाभ। जनपद में शनिवार को जिला अस्पताल सहित कुल 86 केंद्रों पर 8,825 लोगों ने कराया कोविड का टीकाकरण। CMO ने कहा, कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही है हथियार, अवश्य कराएं टीकाकरण। और साप्ताहिक बंदी का पालन कराने के लिए SPCT ने चेतना तिराहे पर डायल 112 के जवानों को किया ब्रीफ। कहा, कड़ाई से कराया जा रहा है कोरोना कर्फ्यू का पालन।